भारतीय टीम तीन वनडे, तीन टी20 और चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीता, तो वहीं टी20 सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा। अब दोनों टीम टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगी। इससे पहले एक सवाल सबके मन में है कि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं। पूर्व भारतीय ओपनर मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि रोहित शर्मा के फिटनेस के बारे में विराट कोहली को भी नहीं पता था, उन्हें लेकर पारदर्शिता की कमी रही। दरअसल रोहित शर्मा अनफिट होने के कारण टी20 और वनडे में नहीं खेल पाए। उन्हें बाद में टेस्ट टीम में भी शामिल किया, लेकिन अब तक वो फिट नहीं हो सके हैं। 11 दिसंबर यानी शुक्रवार को उनका फिटनेस टेस्ट होना है। अगर वे इसमें पास होते हैं तो आखिरी दो टेस्टों में खेल पाएंगे। आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक फैन ने सवाल भी किया, क्या रोहित शर्मा के मामले में बीसीसीआई द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। इस पर आकाश ने कहा कि बोर्ड में पारदर्शिता की कमी सामने आई है। वहीं इसके बारे में सुनील गावस्कर जी के साथ मेरी बात हुई है। आप फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं तो वह अपनी जानकारी संभाल कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। आप उन पर दबाव भी नहीं बना सकते। वह टीम इंडिया के सिलेक्टर नहीं होते हैं, वह फ्रेंचाइजी चलाते हैं। उनके अपने कप्तान, कोच और स्टाफ होते हैं। वहाँ से कोई भी खबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोहित शर्मा टीम इंडिया के प्लेयर हैं। फ्रेंचाइजी और बोर्ड के बीच जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा होगा। यहाँ तक कि कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर कप्तान को नहीं पता है तो हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए। वहीं आकाश चोपड़ा ने आगे कहते हुए कहा कि हमें ये लगता है कि अंदर सबको पता होगा, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि वहाँ भी सबको नहीं पता है। यह मालूम जानकारियों को लेकर पारदर्शिता की मांग करता है। इस दौरान आकाश ने यह भी कहा कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टूरिस्ट बनकर गए हैं। टीम इंडिया को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। घरेलू सीरीज नहीं हो रही तो अब पंत के पास खुद को साबित करने का अगला मौका आईपीएल में ही मिलेगा। सूत्रों के माने तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया पर फूट नजर आती दिखाई दे रही है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।